मूर्ख बातूनी कछुआ और हंस की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जहां सभी जानवर अपनी प्यास बुझाया करते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वो फालतू की बातें बहुत करता था, इसीलिए सभी जानवरों ने उनका नाम बातूनी कछुआ रखा हुआ था। उसी तालाब के पास दो हंस रहते थे। वो कछुआ को अपना मित्र समझते थे और हमेशा कछुआ का अच्छा सोचते थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने लगा और सभी जानवर पानी के लिए तरसने लगे थे। यह देखकर हंस ने कछुए से कहा कि तुम्हें अब कहीं और चले जाना चाहिए। इस पर कछुए ने कहा कि मैं और तालाब में कैसे जा सकता हूँ, यहाँ पर आसपास में कोई तालाब भी नहीं है। फिर दोनों हंसों ने बहुत सोचकर एक उपाय निकाला, क्योंकि वो उस कछुए का भला चाहते थे। एक हंस ने कहा, हम लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर आते हैं, उसे तुम बीच में से पकड़ लेना और दोनों सिरे को एक एक तरफ से हम पकड़ेंगे, तुम्हें दूसरे तालाब तक ले जाएंगे। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है। हंस की बात सुनकर कछुआ मान गया, लेकिन हंसों ने शर्त रखी कि जब तक हम तुम्हें दूसरे तालाब तक पहुँचाना दे तब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे। दूसरे तालाब में पहुँचने के बाद ही तुम अपने मुँह से कुछ बोलोगे। कछुए ने शर्त मान ली और दोनों हंस उसे लकड़ी के सहारे उठा के आकाश में ऊँचे उड़ने लगे। उड़ते उड़ते वो एक गांव पर से पसार हो रहे थे, तभी गांव वालों ने उनको देखा। गांव वालों ने ऐसा दृश्य पहली बार देखा, इसलिए वो तालियां बजाने लगे। उसे देखकर कछुआ से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, नीचे क्या हो रहा है। कछुए के बोलते ही उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वो नीचे गिर के मर गया। इस बात का हंस अफसोस करते हुए बाद में चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना वजह बिना मतलब के कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होता है।